हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रजीत मेडिकल एजुकेशन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स ऑफ एब्डोमिनो पेल्विक एरिया सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो क्वाड्रेंट्स एबडमन या फिर पेल्विक रीजन के सो दोनों को इकट्ठे बोलते हैं एब्डोमिनो पेल्विक रीजन सो इसमें कुछ क्वाड्रेंट्स हैं और कुछ रीजन्स या फिर एरियाज डिवाइड किए हुए हैं उनका क्या पर्पज है और वो रीजन्स और एरियाज़ कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे सो क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स ऑफ एबडोमिनो पेल्विक कैविटी सो कई प्लेसेस पर जस्ट ऐसे लिखा है एबडामिनल कैविटी सो बेसिकली वो एबडामिनल कैविटी तो है ही साथ में ही पेल्विक कैविटी को भी डिवाइड किया गया क्योंकि होल एबडामन एंड पेल्विक कैविटी इन्वॉल्व है इसलिए ये हो गई एबडोमिनो पेल्विक कैिटी सो एबडामिनोपेल्विक कैविटी कैन भी सब डिवाइडेड इंटू फोर क्वाड्रेंट्स जो क्वाड्रेंट्स हैं वो फोर हैं, सो फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है एंड नाइन रीजन्स या फिर एरियाज में डिवाइड किया गया है पेल्विक कैविटी को इसका पर्पस क्या है क्यों हम डिवाइड करें पेल्विक एरिया को सो फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी स्टडी करने के लिए डिफरेंट एरियाज़ को डिफरेंट ऑर्गन्स को कि वो कहाँ पर लोकेटेड हैं उनका लोकेशन क्या है डायग्नोज करने के लिए डायग्नोज कैसे सपोज अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में प्रॉब्लम हो रही है या पेन हो रहा है पेशेंट को या वहाँ पर स्वेलिंग है टेंडरनेस है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में पर्सन को प्रॉब्लम है और इस पर्टिकुलर एरिया में या फिर रीजन में कौन सा ऑर्गन पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग हम पेन को लोकलाइज कर लेते हैं डायग्नोस डायग्नोज कर लेते हैं कि किस टिश्यू या फिर ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी ये हेल्पफुल है एंड ऑल्सो फॉर ट्रीटमेंट पर्पज़ तो हम डायग्नोज क्विकली करके हम ट्रीटमेंट पर्पस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं नेक्स्ट आता है द डिवीजन इंटू फोर क्वाड्रेंट्स फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं एंड नाइन रीजनस होते हैं इनका मतलब क्या होता है कि ये क्यों डिवाइड किए गए हैं अलाउज़ द लोकलाइजेशन ऑफ पेन हमें पता लग जाता है कि किसी लोकल प्लेस पर अगर पेन हो रही है तो वो क्यों हो रही है वहाँ पर टेंडरनेस क्यों है कौन से लोकल टिश्यू या फिर ऑर्गन में प्रॉब्लम है इसलिए वहाँ पर्टिकुलर प्लेस पर टेंडरनेस है स्कार्स है कोई लंप है या फिर कोई और अदर थिंग वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो हमें विजन्स और क्वाड्रेंट डिवाइड करके हमें क्लियरली वो डायग्नोज हो जाता है कि वो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पेन है वहाँ पर पर्टिकुलरली कौन कौन से ऑर्गन या फिर टिश्यू में प्रॉब्लम हो सकती है टू फाइंड विच ऑर्गन एंड टिश्यूज में बी इन्वॉल्व सो so, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे फोर क्वाड्रेंट्स सो क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसका एक जो पार्ट है वो क्या है क्वाड्रेंट है वन फोर्थ है सो दैट इज़ फोर क्वाड्रेंट तो फोर क्वाड्रेंट में हमने अपनी एपडोमो पेल्विक एरिया को डिवाइड किया है सो so, कैसे डिवाइड करते हैं सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ करनी है जो वर्टिकल लाइन है वो हम जीफोइड प्रोसेस जो कि यहाँ पर स्टर्नम है स्टर्नम के यहाँ पर जीफोइड प्रोसेस से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और नीचे तक लेकर जाएंगे प्यूबिक तक तो प्यूबिक बोन तक हम लेकर जाएंगे और इसको हम क्या बोलते हैं मीडियल लाइन सो यहाँ से यहाँ तक ये यह क्या हो गई है मीडियल लाइन या फिर मीडियल प्लेन सो ये मीडियल प्लेन क्या कर रहा है ये राइट साइड और लेफ्ट साइड को बीच में डिवाइड कर रहा है सो so, ये जो मीडियल लाइन है ये अम्ब्लाइकस है यहाँ पर अम्ब्लाइकल मीन्स यहाँ पर नेवल है तो ये नेवल को क्रॉस कर रही है मीडियल लाइन दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करनी है हॉरिजोंटल लाइन तो जो मीडियल लाइन थी ये तो वर्टिकल लाइन है राइट दूसरी लाइन है हमारी हॉरिजोंटल लाइन तो हॉरिजोंटल लाइन भी हमने अम्बलाइकल से क्रॉस कर कर ड्रॉ करनी है इस तरह से तो हॉरिजोंटल लाइन थ्रू द अम्बलाइकस सो अम्बलाइकस से हम हॉरिजोंटल लाइन को ड्रॉ करेंगे और जीफोइड प्रोसेस से लेकर जो हमारी प्यूबिक बोन है वहाँ तक हम ट्यूबिस तक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये हमारी एम्ब्लाइकस हम से ही क्रॉस होनी चाहिए सो so, इस तरह से हम अपने पेल्विक एरिया को फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देंगे सो so, ये आप देख सकते हैं ये है राइट अपर क्वाड्रेंट दिस इज लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट दिस इज राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड दिस इज लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ठीक है सो so, ये है हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट आई यू क्यू राइट लोअर क्वाड्रेंट आर एल क्यू लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एल यू क्यू एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट एल एल क्यू सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट के बारे में सो so, यहाँ पर ये डायग्राम में क्लियरली दिखाया हुआ है इधर साइड ये है राइट अपर क्वाड्रेंट और ये कैसे पड़ता है ये है राइट ऑफ द मीडियल प्लेन सो ये हमारा मीडियल प्लेन है ये जो सेंटर में आपको लाइन दिख रही है उससे राइट साइड पर मीन्स इस साइड पर जो क्वाड्रेंट है वो है राइट अपर क्वाड्रेंट और अबव द अम्बलिकल प्लेन और ये है हमारी अम्बलिकल सो यहाँ से जो हॉरिजोंटल लाइन ड्रॉ हुई थी उसको क्या बोलते हैं अम्बलिकल प्लेन सो अम्ब्लिकल प्लेन से अबव है तो so ये जो राइट अपर क्वाड्रेंट है ये अम्बलिकल प्लेन से अबव है राइट right, और मीडियल प्लेन से राइट right साइड पर है तो दिस इज राइट अपर क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर कौन से ऑर्गन्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो फर्स्ट है लीवर तो आप देख सकते हैं लीवर का ऑलमोस्ट सारा पार्ट पूरा पार्ट लीवर का राइट अपर क्वाड्रेंट में आ रहा है देन गोल ब्लेडर विद बिल ट्री सो ये हमारा गोल ब्लेडर है विथ बिलरीरी ट्री भी इसमें आ रहा है डिओडनम सो डिडनमम हमारा सी पा सी शेप स्मॉल इंटस्टाइन का पार्ट है वो भी इसमें आता है हेड ऑफ़ द पैंक्रियास, सो पैंक्रियास का ऑलमोस्ट हेड हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट में ही आ रहा है बाकी टेल uh, दूसरे क्वाड्रंट्स में आती है देन राइट किडनी एंड एड्रीनल ग्लैंड सो हमारी राइट किडनी यहाँ पर शो नहीं हो रही पॉस्टीनली वो प्रेजेंट है राइट right किडनी और साथ में ही उसके एड्रीनल ग्लैंड भी क्योंकि वो राइट right किडनी के ऊपर ही प्रेजेंट होती है सुपरा रिनल ग्लैंड देन हीपेटिक फ्लैक्शर ऑफ कोलोन सो ये हमारी कोलोन है कोलोन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन सो जहाँ पर यह बैंड हो रही है लीवर के पास और बेंड होकर ये क्या बना रही है ट्रांसवर्स कॉलोन तो जहाँ से ये बेंड हो रही है क्योंकि ये लीवर के नेक्स्ट ही है इसलिए इसको क्या बोला है हिपैटिक फ्लेक्शन पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स एंड असेंडिंग कलोन कुछ पार्ट हमारा जो ट्रांसवर्स कॉलोन का है ये वाली ट्रांसवर्स कोलोन मीन्स ट्रांसवर्स कोलोन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स पार्ट वो भी हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट में आ रहा है और असेंडिंग कोलोन सो असेंडिंग कोलोन मीन्स जो कोलोन ऊपर की तरफ जा रही है असेंड कर रही है तो वो भी हमारा पार्ट कुछ राइट अपर क्वाड्रेंट में ही आता है नेक्स्ट चलते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में ये क्लियर है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट क्या होगा मीडियल प्लेन से लेफ्ट साइड पर और जो अम्बलाइकल प्लेन है उससे अबव उससे अबव राइट, right. सो so, इसमें हमारे क्या आते हैं स्टमक आता है सो so, स्टमक हमारा तो हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट में आ रहा है लेकिन कुछ पार्ट इसका जो लेफ्ट लोब है कुछ पार्ट लेफ्ट लोब का वो इसमें आ रहा है हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट में नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ पैंक्रियास जो हमारा हेड है Uh, वो हमारा आता है राइट अपर क्वाड्रेंट में पेंक्रियाज का जो बॉडी और टेल है वो हमारी आती है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में लेफ्ट किडनी एंड एड्रीनर ग्लैंड सो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है लेफ्ट किडनी पोस्टि वो प्रेजेंट है और साथ में उसकी एड्रीनर ग्लैंड स्प्लिनिक फ्लेक्चर ऑफ कॉलोन अब यहाँ पर ये यह जो uh, ट्रांसफर्स कॉलोन होती है ये यह यहाँ पर इस तरह से बेंड हो जाती है और नीचे ये क्या बन जाती है डिसेंडिंग कॉलोन तो क्योंकि ये स्प्लीन से नेक्स्ट में ही है इसलिए इसको स्प्लिनिक फ्लेक्चर बोलते हैं कॉलोन का तो वो भी हमारा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कलोन तो कुछ पार्ट ट्रांसवर्स ट्रांसफर्सोन का भी हमारा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है क्वार right. और कुछ पार्ट हमारा डिसेंडिंग का लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है नेक्स्ट चलते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट पर तो जो राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है ये मीडियन प्लेन के राइट right साइड पर प्रेजेंट है लेकिन अम्बलाइकल प्लेन के बिलो प्रेजेंट है ठीक है तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आते हैं वो आता है सीकम तो इसमें हमारा सीकम इन्वॉल्व है अपेंडिक्स इन्वॉल्व है असेंडिंग कलॉन का कुछ पार्ट इन्वॉल्व है ये असेंड कर रहा है कलॉन का कुछ पार्ट राइट ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब वो भी यहाँ पर विजिबल नहीं है तो राइट right ओवरी और फेलोपियन ट्यूब हमारी आती है राइट लोअर क्वाड्रेंट में सो so, क्योंकि ये पेल्विस को भी डिवाइड कर रहे हैं क्वाड्रेंट इसलिए इसको एबडोमो पेल्विक बोला गया है नेक्स्ट राइट यूरेटर सो राइट यूरेटर भी हमारा किस में आ रहा है राइट लोअर क्वाड्रेंट में नेक्स्ट चलते हैं हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में सो so ये है हमारा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट मीडियन प्लेन के लेफ्ट साइड पर है अम्बलाइकल प्लेन के लोअर साइड पर प्रेजेंट है फाइन बिलो प्रेजेंट है इसमें मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो आते हैं वो आता है डिसेंडिंग कलोन सो so, हमारी डिसेंडिंग पर प्रेजेंट है कुछ पार्ट सिग्मोइड कलोन यहाँ पर प्रेजेंट है लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट फलोपियन ट्यूब यहाँ पर नहीं दिख रही लेकिन वो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में ही प्रेजेंट है और लेफ्ट यूरेटर भी लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है सो so, ये मेन ऑर्गन्स हैं जो कि फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है अब कुछ फिजिशियन फोर क्वाड्रेंट को प्रेफर करते हैं और कुछ फिजिशियन नाइन रीजन्स uh, को प्रेफर करते हैं बट डिपेंडिंग अपॉन द कन्वीनियंस लेकिन uh, क्योंकि हमारे जो फोर क्वाड्रेंट है वो फोर रीजन्स uh, या फिर फोर क्वाड्रेंट्स या फिर फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हमारे एबडोमनल और पेल्विक कैविटी को वेयर एज जो नाइन रीजन्स हैं वो हमारे एबडोमिनो पेल्विक एरिया को नाइन रीजन्स में डिवाइड करते हैं जिससे ज़्यादा पर्टिकुलर लोकेशन पता लग जाती है अगर कहीं स्पेसिफिक लोकेशन पर पेन या फिर टेंडरनेस है तो हमें स्पेसिफिकली ज़्यादा अच्छे से पता लग जाता है अब हम चलते हैं नाइन रीजन्स की तरफ नाइन रीजन्स ऑफ और एरियाज ऑफ एबडोम पेल्विक कैविटी तो नाइन रीजन्स जो हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं फर्दर लोकलाइजेशन अगर हम अपने एबडामन और पेल्विक कैविटी को नाइन पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमें और पर्टिकुलर लोकेशन पता लग जाती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में पेन हो रहा है तो इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा ऑर्गन है कौन से ऑर्गन का कौन सा पार्ट है तो डायग्नोसिस और ज़्यादा क्या हो जाता है एक्यूरेट हो जाता है फाइन अब इसको हम कैसे बनाते हैं नाइन रीजन्स को हम टू हॉरीजोंटल और टू वर्टिकल लाइन ड्रॉज करते हैं जब हमने पहले फोर क्वाड्रेंट पढ़े थे तो उसमें एक हमने वर्टिकल और एक हॉरीजोंटल बनाया था इस तरह से राइट right. लेकिन इसमें हम क्या करेंगे टू वर्टिकल और टू हॉरीजोंटल लाइंस से नाइन रीजन्स को डिवाइड कर देंगे नाइन रीजन्स बन जाएंगे पेल्विक जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन फाइन तो ये हमने यहाँ पर ये बड़ा सा डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पर ये नाइन रिजन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब ये वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे वर्टिकल्स लाइन आर द मिड क्लेविकुलर लाइन तो यहाँ पर तो दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पर क्या है क्लेविकल्स हैं हमारी कॉलर बोन्स हैं सो तो ये हमारी जो क्लेविकल बोन है कॉलर बोन इसके मिड से मिड मतलब सेंटर से हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन को यहाँ से ऐसे ठीक है तो ये हमने ड्रॉ कर दी मिड से अब हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कैसे ड्रा करेंगे तो जो अपर हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हम कहाँ से लेंगे ये आप यहाँ पर कोस्टल कार्टिलेज देख रहे हैं सो तो जब सबसे लोअर वाला कोस्टल कार्टिलेज है वहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे अपर हॉरीजोंटल लाइन फाइन तो अपर हॉरिजोंटल uh, लाइन हम ड्रॉ करेंगे सब कोस्टल लाइन सब कोस्टल लाइन लेंगे टेकन फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द लोएस्ट कोस्टल कार्टिलेज तो जो सबसे लोएस्ट कोस्टल कार्टिलेज है उससे हम अपर लाइन हॉरिजोंटल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको बोलते हैं सब कोस्टल प्लेन दूसरी तरफ जो हम लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन है अब ये जो लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे इंटर ट्यूबरकुलर लाइन से अब इंटर ट्यूबरकुलर लाइन क्या है ये हमारा इलिय क्रस्ट है और ये हमारा इलिय क्रस्ट का ट्यूबरकल है तो दोनों साइड के ट्यूबरकल को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से राइट और ये हमारा क्या हो गया इंटर ट्यूबरकल इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन तो इस तरह से हमने नाइन रीजन्स को डिवाइड कर देना है अब सबसे जो फर्स्ट रीजन्स आते हैं जो इस साइड का रीजन है ये जो सबसे अपर और सबसे राइट right साइड पर जो रीजन है इसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन क्या बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हाइपो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अंडर कार्टिलेजेस ऑफ रिब्स आता है तो ये रिब्स के अंडर है या फिर रिब्स के बिलो uh, आप बोल सकते हैं तो ये कॉन्ड्रिक कॉन्ड्रिक मतलब कार्टिलेज ऑफ रिब्स सो रिब्स के कार्टिलेज के बिलो आता है दैट इज राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन इसी तरह से लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन आर फाउंड सुपीरली ऑन ईदर साइड ऑफ द एबडमन तो ये हमारा राइट है ये हमारा राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन है वहीं लेफ्ट साइड हमारा लेफ्ट हाइपोकड्रिक रीजन है ये भी सुपीरियरली प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है हाइपो का मतलब बिलो या फिर अंडर और कॉन्ट्रिक का मतलब कार्टिलेज ऑफ रिप्स अब इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा रीजन होता है एपी गैस्ट्रिक रीजन एपी का मीनिंग होता है अबव मीन्स ऊपर और गैस्ट्रिकम का मीन्स होता है स्टमक तो क्योंकि ये हमारा स्टमक हो गया यहाँ पर रफली मैंने ड्रॉ किया है तो स्टमक से ऊपर ये रीजन प्रेजेंट है इसलिए इसको एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं सो so, सबसे राइट साइड और सबसे सुपीरियरली कौन सा प्रेजेंट है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक देन उनके बीच में वहीं इधर साइड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक और उसके बीच में एपिगैस्ट्रिक देन हम चलते हैं बीच में राइट लंबर रीजन क्योंकि ये लंबर वर्टिब्रा के तरफ आता है सो so, लंबर वर्टिब्रा है यहाँ पर प्रेजेंट इसलिए इसको बोलते हैं राइट लंबर रीजन वर्टिब्रा के कारण उसी तरफ यहाँ लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंबर वर्टिब्राज है तो लंबर वर्टिब्रा होने के कारण जो लेफ्ट रीजन है उसको बोलते हैं लेफ्ट लंबर वर्टिब्रा उन दोनों के बीच में नेवल होती है अम्ब्लाइकस होता है राइट तो इसलिए इसको बोलते हैं जो बीच में है दोनों के इसको बोलते हैं अम्ब्लाइकल रीजन अम्बलिकल रीजन उसके नीचे ही अब सबसे इंफियरली जो राइट साइड पार्ट है रीजन है उसको बोलते हैं राइट इलियक रीजन क्योंकि यहाँ पर इलियक बोन्स हैं इलियक क्रेस्ट है इसलिए वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट साइड को बोलते हैं लेफ्ट इलियक रीजन दोनों के बीच में होता है हाइपोगेस्ट्रिक रीजन हाइपोगेस्ट्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टमक यहाँ पर है और स्टमक से नीचे हाइपो मीन्स बिलो तो ये रीजन स्टमक से बिलो है इसलिए इसको हाइपो रीजन बोलते हैं अब सबसे पहले हम देखेंगे राइट हाइपोकड्रिक रीजन में कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आते हैं तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ही मेंशन किए हैं तो ये है हमारा राइट हाइपो रीजन तो राइट हाइपोकड्रिक रीजन में फर्स्ट तो मारा जाता है लीवर तो लीवर का बहुत ज़्यादा पार्ट हमारा राइट हाइपोकड्रिक रीजन में आता है वहीं ये ग्रीन कलर का दिख रहा है हमें ये क्या है गॉल ब्लेडर और राइट किडनी भी हमारी यहाँ पर प्रेजेंट है नेक्स्ट हम चलते हैं एपिगेस्ट्रिक पर सो so, ये हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के बीच वाला जो पार्ट है या फिर रीजन है उसको बोलते हैं हम एपिगेस्ट्रिक रीजन एपिगेस्ट्रिक रीजन में ये देखो हमें दिख रहा है बड़ा सा स्टमक सो so स्टमक यहाँ पर प्रेजेंट है लीवर का कुछ पार्ट हमें दिख रहा है ये वाला लीवर का कुछ पार्ट यहाँ पर भी प्रेजेंट है तो लीवर प्रेजेंट है पैंक्रियाज पेंक्रियाज यहाँ पर विजिबल नहीं है बट यहाँ पर कहीं पैंक्रियाज भी प्रेजेंट है पैंक्रियाज का हेड और बॉडी देन राइट एंड लेफ्ट किडनीज कुछ राइट एंड लेफ्ट किडनी का पार्ट यहाँ पर भी इंक्लूड होता है राइट एंड लेफ्ट यूरेटर यहाँ पर आ रहे हैं राइट एंड लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड का कुछ पार्ट नेक्स्ट हम चलते हैं लेफ्ट हाइपो रीजन पे सो so ये है हमारा लेफ्ट हाइपो रीजन यहाँ पर स्टमक का कुछ पार्ट प्रेजेंट है सो so स्टमक का कुछ पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर टिप ऑफ द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर सो ये जो लेफ्ट लोब की टिप है ये थोड़ी सी यहाँ पर भी जा रही है देन लेफ्ट किडनी लेफ्ट किडनी यहाँ पर प्रेजेंट है वेरी इंपॉर्टेंट स्प्लीन स्प्लीन कहाँ पर हमारी प्रेजेंट है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हियर इज स्प्लीन समवेयर देन टेल ऑफ द पैंक्रियाज तो बॉडी और हेड तो हमारा एपिगेस्ट्रिक में आ रहा था तो so, जो हमारी टेल है वो हमारी आती है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में नेक्स्ट हम चलते हैं राइट लंबर रीजन पर तो ये है हमारा राइट लंबर रीजन इसमें हमारा क्या आ रहा है लीवर सो so, लीवर की जो कुछ थोड़ी छोटी सी टिप यहाँ पर आ रही है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं असेंडिंग कलोन असेंडिंग कलॉन आपको साफ साफ दिख रही है यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन जो सेंड कर रही है उसको असेंडिंग कलॉन बोलते हैं देन राइट किडनी यहाँ पर प्रेजेंट है राइट लंबर रीजन में नेक्स्ट चलते हैं अम्ब्लिकल रीजन में तो ये है हमारा अम्ब्लिकल रीजन सेंटर वाला जहाँ पर अम्बलिकस प्रेजेंट है तो यहाँ पर एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है साफ साफ स्टमक का कुछ पार्ट यहाँ पर है ये स्टमक का कुछ पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है पैंक्रियास का कुछ पार्ट प्रेजेंट है ट्रांसवर्स को तो यहाँ पर आपको ट्रांसवर्स को भी ये दिख रही है ये रही ट्रांसवर्स को फाइन उसके बाद हम चलते हैं लेफ्ट लंबर रीजन पर लेफ्ट लंबर रीजन में हमें क्या दिख रहा है कुछ पोर्शन स्मॉल इंटरसाइन का हमें दिख रहा है उसके साथ साथ हमें डिसेंडिंग कलॉन दिख रही है जो डिसेंड कर रही है नीचे और टिप ऑफ द लेफ्ट किडनी सो लेफ्ट किडनी की टिप यहाँ पर प्रेजेंट है सो so ये तीनों ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स एंड पार्ट्स यहाँ पर लेफ्ट लंबर रीजन में प्रेजेंट है नेक्स्ट हम चलते हैं इंग्विनल रीजन सो मैंने एक चीज़ आपको बतानी है कि जो इलियक रीजन है उसको इंग्विनल रीजन भी बोलते हैं जैसे कि ये राइट इंग्विनल रीजन या फिर राइट इलियक रीजन एक ही बात है इसी तरह से लेफ्ट इंग्विनल रीजन या फिर लेफ्ट इलियक रीजन एक ही बात है तो राइट इंग्विनल रीजन या फिर राइट इलियक रीजन में हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन सो कुछ पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का इसमें आता है अपेंडिक्स हमारा यहाँ पर है अपेंडिक्स जो कि सिकम के बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट है एक टेल की तरह देन असेंडिंग कलोन असेंडिंग कलोन का कुछ पार्ट जो कि असेंड कर रहा है ऊपर की तरफ वो इसमें प्रेजेंट है हमारा राइट इंगल रीजन में राइट ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब सो राइट ओवरी यहाँ पर दिखने ही रही है राइट right ओवरी और राइट फेलोपियन ट्यूब फीमेल्स की यहाँ पर प्रेजेंट होती है देन होता है हाइपोगेस्ट्रिक रीजन सो हाइपोगेस्ट्रिक रीजन ये हमारा मिडल वाला राइट इलियक रीजन और राइट लेफ्ट इलियक रीजन के बीच में दिस वन इज द हाइपो गैस्ट्रिक रीजन इसमें आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आपको दिख ही रहा है यहाँ पर देन उसके बाद सिग्मोइड कलोन सो सिग्मोइड कलोन का पोर्शन आता है यहाँ पर उसके बाद हमारा रेक्टम सो रेक्टम का पार्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है यूरिनरी ब्लेडर हमारा यहाँ पर है राइट एंड लेफ्ट यूरेटर्स हमारे ये थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं बिल्कुल राइट एंड रेगुलेटर लेफ्ट ये वाला यहाँ पर एंड यूट्रस जो कि नहीं दिख रहा पेल्विक रीजन में ही है यूट्रस यहाँ पर प्रेजेंट है मेल्स में यहाँ पर वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर हमें मिलती है कहाँ पर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में नेक्स्ट चलते हैं हम लेफ्ट इंग्विनल या फिर लेफ्ट इलियक रीजन की तरफ तो यहां पर हमें दिखेगा कुछ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का डिसेंडिंग कॉलोन ये हमें दिख रही है यहाँ पर सिग्मोइड कॉलोन का कुछ पार्ट यहाँ पर है लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट फलोपियन ट्यूब हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है कहाँ पर लेफ्ट इंग्विनल या फिर लेफ्ट इलियक रीजन में सो so ये हमारे नाइन रीजनस हैं अभी हमने पढ़ लिए है कौन कौन से ऑर्गन किस रीजन में आते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एपिगेस्ट्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक राइट राइट लंबर अम्बलाइकल लेफ्ट लंबर राइट इलियक हाइपोगेस्ट्रिक एंड लेफ़्टिलियक रीजन अब इनकी मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम्स कुछ मैंशन की है मेन प्रॉब्लम्स की अगर इन जैसे कि राइट हाइपोकड्रिक रीजन में जो ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज़ हैं या पार्ट्स हैं अगर वहाँ पेन हो रही है या टेंडरनेस हो रही है या कोई प्रॉब्लम है तो क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं तो राइट right हाइपोकॉन्ड्रिक्ट में गोल स्टोन्स हो सकते हैं गोल ब्लडर में स्टोन स्टमक अल्सर हो सकता है पैंक्रियाटाइटिस पेंक्रियाज की इन्फ्लामेशन के कारण हो सकता है वहाँ पेन एपिकेस्ट्रिक रीजन में स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं उसकी वजह से हो सकती है वहाँ पेन और टेंडरनेस हार्ट बर्न या फिर इंडाइजेशन हो सकता है पेंक्रिएटाइटिस गॉल स्टोन्स एपीगैस्ट्रिक हर्निया वहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है लेफ्ट हाइपो रीजन में अगर प्रॉब्लम आती है तो स्टमक अल्सर के कारण हो सकता है डिओडेनल अल्सर के कारण हो सकता है बिलियरी कॉलिक मीन्स जो बिलियरी ट्रैक है वहाँ पर कॉलिक हो सकती है इन्फ़्लामेशन और स्टोन्स हो सकते हैं पैंक्रियाटाइटिस मीन्स पैंक्रियाज में इंफ्लामेशन के कारण हो सकता है जो राइट लंबर रीजन है वहाँ पर किडनी स्टोन्स के कारण पेन हो, हो सकती है यूरिन इन्फेक्शन के कारण कॉन्स्टिपेशन के कारण इवन लंबर हर्निया भी हो सकता है अम्ब्लाइकल रीजन में हमारे जो पेन के कारण हो सकते हैं वो पैंक्रेटाइटिस हो सकता है स्टमक अल्सर इंफ्लामेटरी बाउल डिसीज़ अम्ब्लाइकल हर्निया के कारण हो सकता है देन लेफ्ट लंबर रीजन में किडनी स्टोन्स डायवर्टिकुलर डिसीज डाइवर्टिकुलर डिसीज क्या होता है बेसिकली जो हमारा ये कॉलोन होती है मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन उसका जो पार्ट है वो बल्ज हो जाता है आउट पाउचिंग हो जाती है या फिर आप बोल सकते हैं सिंपली जैसे फूल जाता है या सूझ जाता है तो वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है इन्फ्लॉमेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन के कारण जिसको बोलते हैं डायवर्टिकुला सो जो ये पाउच बन जाता है उसको डाइवर्टिकूला बोलते हैं जिसके कारण पेन होती है कॉन्स्टिपेशन के कारण लेफ्ट लंबर रीजन में पेन हो सकती है इन्फ्लामेशन टेंडरनेस हो सकती है आईबीडी बी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज देन राइट इलियक रीजन में अपेंडिसाइटिस हो सकता है कॉन्स्टिपेशन पेल्विक पेन जो गाइनोकोलॉजिकल पेन है किसी भी रीजन की वजह से चाहे वो मैंस्ट्रल पेन है या फिर कोई भी रीजन की वजह से चाहे वो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो उनके कारण पेल्विक पेन जो होता है वो भी हो सकता है राइट इलियक रीजन में पेन का कारण ग्रोइन पेन अगर इंग्विनल हर्निया है तो ग्रोइन पेन हो सकता है नेक्स्ट इस हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में यूरिन इन्फेक्शन अपेंडिसाइटिस अगेन डायवर्टिकुलर डिसीज इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ पेल्विक पेन जो कि गाइनोकोलॉजिकल रीजन से हो सकता है लेफ्ट एलियक रीजन में डायवर्टिकुलर डिसीज पेल्विक पेन ग्रोइन पेन अगेन इंग्विनल हर्निया की वजह से हो सकता है सो so ये सारी डिफरेंट कंडीशंस हैं जो कि डिफरेंट में पॉसिबल हो सकती हैं तो अगर आप इन रीजन्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं आ, मैं आपको प्रेफ़र करूँगी कि आप नाइन रीजन ज़्यादा अच्छे से लर्न कर लें क्योंकि इनसे आपको स्पेसिफ़िकली एक तो लोकेशन पता लग जाती है ऑर्गन की अगर आपने कोई भी ऑर्गन राइट डाउन करना है तो आप उसकी स्पेसिफ़िक लोकेशन लिख सकते हैं Uh, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है uh, प्लस साथ में ही कोई एम आते हैं तो वो भी ईजी हो जाते हैं सॉल्व करने अगर आप इन नाइन रीजन्स को अच्छे से देखें सो so, ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है अगर आप पिक्चर uh, अपने माइंड में फिट कर लेते हैं कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर आता है तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट सो दैट्स इट अबाउट डिफरेंट रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स ऑफ एबडामिनो पेलविक रीजन सो इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग